कुमार, वेलकम टू मूवी शो वी। आपने स्पेस फोर्स देखा था क्या सीजन वन का? क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो आपको सीजन टू नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सीजन वन में जो कुछ भी कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश होते हैं, उनकी नेचर, उनका बिहेवियर जो एस्टैब्लिश होता है, वही सीजन टू के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है। हालांकि उनका जो इस बारी का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। हिंदी के अंदर भी है ये सीरीज, जिनको नहीं पता। देखो, सीजन वन मुझे ठीक ठीक लगा था। आई वुड नॉट से इट वॉज अ ग्रेट सीजन। मैंने उसका मूवी शूवी स्कोर भी शायद बी दिया था। फनी इन पार्ट्स, थोड़ा सटायर भी था, थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर भी सटायर था, जर्नलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा सटायर था, फिर यूएस फोर्सेस स्पेसिफिकली के ऊपर काफ़ी बड़ा सटायर था। एक ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं व्हेन द गवर्नमेंट इज़ आल्सो इन्वॉल्व फॉर अ लार्जर पर्पस टू शो इट टू द वर्ल्ड के हम भी कुछ दोबारा से करके दिखा सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सटायर था। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक जनरल नेट यूएस के जनरल हैं और उनको एक नया काम दे दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि भैया ऐसा है कि आपको मिशन मंगल करना है, मिशन मून करना है, मतलब आपको मून पर दोबारा पहुँचना है। तो मून पे पहुंच के आपको परचम निलाना है यूएस का द्वारा से कि भैया आप देखो हम फिर से मून पे पहुंच गए और वहाँ पर आप क्या क्या डिस्कवरी करोगे। तो इन जनरल साहब को कुछ ज़्यादा आता पता है नहीं, और जो उनको टीम भी मिलती है वो थोड़ी ट्विस्टेड होती है, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो थोड़े से ट्विस्टेड हैं, वो थोड़े कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फनी हो जाती है। अब इसी के अंदर उनको फंड ढूंढना होता है। तो जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है कि एक वर्क प्लेस के अंदर कैसे डिस्कवरी करते हैं इकट्ठे काम करने की, और उसके बाद क्या इनका मिशन पूरा होता है कि नहीं होता, रेस अगेंस्ट टाइम, फिर यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द कैरेक्टर्स के कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उस जोन में आपको सीजन वन रखता है। थोड़ा फनी है, थोड़ी स्टोरी है, बिकॉज दे आर फाइटिंग एंड दे आर ट्राइंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब सीजन टू में क्या हुआ है कि जितने भी एपिसोड्स हैं उसके अंदर पहले एपिसोड में आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि जनरल नेड की जिस तरीके से पर्सनालिटी है, थोड़ा अनस्टेबल, सनकी टाइप का, इनडिसाइसिव सा, जिन्होंने देखा उनको पता होगा, इनकॉम्पिटेंट सा, थोड़ा सा अजीब सी हरकतें भी कर सकता है वो, फनी सा, और वो अब अंडर स्क्रूटनी है। नई एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि आप प्रूव करो अपनी वर्थ, तभी आप इस स्पेस मिशन में शामिल रह सकते हो, इस टीम का पार्ट रह सकते हो, नहीं तो हम ऑल्टरनेट कमांडर ले आएंगे। अब उसको और उसकी टीम को प्रूव करना है, तो क्या प्रूव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और इस प्रूव करने की जो जद्दोजहद को आप एस्टैब्लिश तो करते हो तो एपिसोड वन के अंदर, बट एपिसोड टू थ्री फोर में हर बार एक नई स्टोरी होती है, अलग अलग चीज़ों के थ्रू वो अपने आप को, अपनी वर्थ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाता है, आपको लगता है ये थोड़ी डिसजॉइंटेड सी सीरीज है। जैसे आप यूजली अगर आप कोई सुपर हीरो की सीरीज देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने कैरेक्टर डेवलप कर दिए, अब एक बार ही उसको किसी शार्क को मारना है, एक बार किसी बंदर को मारना है, जैसे फ्लैश नहीं आता कि एक बार ही मेरा टास्क ये है अचीव करने का, फिर ये मेन विलन भी चल रहा है जो 10वें एपिसोड में आएगा, उस तरीके से आपको लगता है। तो थोड़ी डिसजॉइंटेड सी सीरीज लगती है, बट फन क्वेश्चन ये है कि बीच बीच में जो आते रहते हैं इनकी बेवकूफ़ियों में जो आपको फन नज़र आता है वो आता है, और साथ ही साथ में जब एरन है, वो भी एरन मतलब उसकी जो डॉटर है जनरल नेड की, वो भी इसके अंदर अब टीम के अंदर ही शामिल होगी एज इंटर्न, वो उसका मोटिवेटर है किस्म की, और चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है उसकी लाइफ में सूटों से। तो ओके सी है ये सीरीज, मतलब अगर आप नहीं भी देखोगे इसको तो ऐसा कुछ जीवन में बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि जो सीजन वन में जिस तरीके की चीज़ एस्टैब्लिश हुई थी वो सीजन टू में वो पर्पस जो है वो होता नहीं है, और ये बेवकूफ़ वाली हरकतों पर थोड़ा सा उतर आते हैं कि भैया प्रूव योर वर्थ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जीवन में देखने के लिए, तो आई वेस्टेड माई टाइम, डोंट वेस्ट योर्स। मुझे नहीं अच्छी लगी है बिल्कुल भी, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, बीच में काफ़ी स्किप करना पड़ेगा आपको, ऐसे लगेगा बेवकूफ़ वाली हो रही है, और कॉमेडी की जगह थोड़ी सिली लगने लग जाती है, उससे थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि सिली नहीं होना चाहिए। तो सिली मतलब यार, आप ऐसे क्वेश्चन करो यार ऐसे कौन करता है यार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है ये तो। एंड दीज आर रिस्पेक्टेबल पोजिशंस जो ये सारे लोग हैं, वो थोड़ा सा इशू है, इसी वजह से मेरा मूवी शो भी स्कोर रहेगा इसके लिए सी, अवॉइड इट। बाय बाय।